पुतिन को मोदी की याद आई, चीन की घंटी क्यों बजी है भाई। पुतिन ने मोदी को फोन घुमाया, जिनपिंग का दिमाग क्यों चकराया। मियां शहबाज की भी उड़ी जा रही है नींद, रूस से दोस्ती का नहीं बन रहा कोई सीन। मोदी की कूटनीति से अमेरिका भी है चारों खाने चित। रूस यूक्रेन जंग पर भारत की नीति को बता रहा फिट। दोस्तों, मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि दोनों जिगरी यार हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दोनों की यही दोस्ती अमेरिका और पश्चिमी देशों को खटकती रहती है। वो नहीं चाहते कि पुतिन और मोदी का याराना ऐसे ही कायम रहे। इसे तोड़ने के लिए उन्होंने कई जतन भी किए, लेकिन अंबुजा सीमेंट की तरह मोदी और पुतिन की दोस्ती आज भी अटूट है। दोस्तों, इसी दोस्ती के चलते पुतिन जब भी मुसीबत में होते हैं, अपने जिगरी यार मोदी को फोन करके उनसे सलाह लेते हैं। शायद इसीलिए पुतिन इसी साल मोदी को अब तक 5 बार फोन कर चुके हैं। इस बार भी जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को फिर से अपने प्रतिबंधों के जाल से घेरने की कोशिश की, तो पुतिन को मोदी की याद आई है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि केवल भारत ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है, रूस की डूबती अर्थव्यवस्था को पार लगा सकता है। दोस्तों, भारत ऐसा कर भी रहा है। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। आज भी वो रूस से भर भर कर तेल खरीद रहा है। उसे जरूरत का हर वो सामान मुहैया करा रहा है, जिसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी लगातार चलती रहे। दोस्तों, मोदी और पुतिन की दोस्ती से चीन और उसके प्यादे पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ी रहती है। चीन को लगता है कि उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करके वो जो सपना देख रहा था, उसे वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। मोदी की चाल के कारण उसे मात ही मिल रही है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की अब और जलने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में मोदी के स्टैंड का समर्थन किया है और कहा है कि इस जंग को खत्म कराने में वो अक्षरशः मोदी की बात मानेगा। मतलब अपनी ऐठन में रहने वाला सुपर पावर अमेरिका भी अब मोदी के आगे नतमस्तक हो गया है और उनसे युद्ध की ज्वाला को खत्म कराने की गुजारिश कर रहा है। दोस्तों, भारत शुरू से ही कहता आ रहा है कि वो युद्ध का किसी भी हाल में पक्षधर नहीं है, और रूस को भी उसने यही सलाह दी है। मोदी खुद पुतिन के सामने बैठकर ये बात कह चुके हैं, युद्ध से हो रहे विनाश की गाथा बता चुके हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के हथकंडों के चलते रूस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पर अब जब अमेरिका ने खुद ही भारत को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो उम्मीद की जा रही है कि रूस जंग से पीछे हट सकता है, यानी युद्ध को खत्म कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका को उम्मीद है कि मोदी ही पुतिन को जंग खत्म करने के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी किसी देश में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो पुतिन को समझा सकें। मतलब कुल मिलाकर भारत को दुनिया के देशों ने बड़ा काम सौंपा है, जिसे चीन और पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौटने लगे हैं। खासकर चीन की तो नींद ही गायब हो गई है, क्योंकि यहाँ उसका पासा उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत की विजय पताका एक बार फिर दुनिया में लहराने वाली है। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर मोदी के कारण भारत का जयकार दुनिया में लगने वाला है। दोस्तों, आखिर जिस युद्ध के कारण पुतिन ने मोदी को फोन किया है और अमेरिका ने जिस युद्ध को खत्म कराने के लिए मोदी की नीति का समर्थन किया है, आखिर इस वक्त उस युद्ध में क्या हालात हैं? पहले आपको वो बता देता हूँ, जिसके बाद आपको मोदी के उस कूटनीतिक जीत के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की तैयारी में रूस, परमाणु मिसाइल बॉम्बर सैनिकों को किया तैनात। अब की बार यूक्रेन पर होगी भारी बमों की बरसात। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाला है। इस बीच पुतिन ने मिसाइलों को तैनात कर और बम वर्षकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देकर परमाणु हमले के खतरे को बढ़ा दिया है। पुतिन ने यह तैयारी तब की है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये यूक्रेन पर नए हमले के लिए 2 लाख सैनिकों की एक मजबूत सेना बना रहे हैं। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर शनिवार को बड़ी संख्या में मिसाइल दागे, जिसके बाद ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि पुतिन ईरान से बड़ी संख्या में मिसाइलें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों में पुतिन ने मिसाइलों को साइलों में लोड करने का आदेश दिया है। दोस्तों, पुतिन के ऐलान के बाद एक फुटेज सामने आया है, जिसमें एक विशालकाय मिसाइल गाड़ी पर लदी हुई है और बर्फीले रास्ते से गुजर रही है। ये एक अंतर्महाद्वीप या बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और कथित तौर पर हिरोशिमा पर गिराए बम से 12 गुना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, पुतिन ने किंजल मिसाइल ले जाने की क्षमता रखने वाले 3 MiG-31 फाइटर जेट को मंगलवार को बेलारूस में तैनात किया है। आपको ये भी बता दूं कि किंजल मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी क्षमता बेलारूस से ब्रिटेन तक मारने की है। रूस की यह तैनाती ऐसे समय में आई है जब यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रमुख वॉलेरी जालुजनी ने
चेतावनी दी है कि नुकसान झेलने के बाद भी पुतिन की यूक्रेन कब्जाने की इच्छा खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 100% तय है कि रूस जंग की एक बार फिर से तैयारी कर रहा है और यूक्रेन को फरवरी और मार्च में लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन की डिप्टी रक्षा मंत्री हन्ना मलियार ने हाल ही में कहा है, यूक्रेन और दुनिया को आराम से नहीं बैठना चाहिए क्योंकि रूस का अंतिम लक्ष्य पूरे यूक्रेन को कब्जा करना है, वो फिर हमला करेंगे। पुतिन के सहयोगी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, रूस की इस नई तैयारी ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है, लिहाजा अब उन्हें भारत की याद आई है क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि केवल भारत ही इस जंग को विराम दिला सकता है। लिहाजा अमेरिका ने दावा किया है कि वो जंग को खत्म कराने में भारत की नीति का समर्थन करता है और वो उसके लिए पूरी तरह भारत के साथ है। रूस यूक्रेन की जंग खत्म कराएगा भारत? अमेरिका भी भारत की बात से हुआ सहमत? जंग खत्म कराने में भारत के साथ चलने की कही बात? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड का स्वागत किया, जो सभी प्रकार की हिंसा को रोकने और कूटनीति के रास्ते पर चलने का आह्वान करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम पीएम मोदी की बातों को उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही मानेंगे और जब वो चीजें होंगी तो उन टिप्पणियों का स्वागत करेंगे। दोस्तों, पटेल ने यह टिप्पणी रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति और युद्ध को समाप्त करने के लिए पीएम मोदी के आह्वान पर एक सवाल के जवाब में की। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, कोई भी देश जो शांति में शामिल होने में रुचि रखता है और इस युद्ध को समाप्त करने में रुचि रखता है उसे यूक्रेनी भागीदारों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को क्यों लगता है कि भारत ही रूस को जंग खत्म करने के लिए तैयार कर सकता है? तो दोस्तों, इसकी एक वजह है पुतिन और मोदी का याराना। ये तेरी मेरी यारी है जान से भी प्यारी, मोदी पुतिन की दोस्ती का क्या कहना, दोनों जिगरी यार एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी और उसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी विदेश विभाग की ये टिप्पणी आई है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की टेलीफोनिक वार्ता के बारे में उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर समरकंद में अपनी बैठक के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बताया है। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को जो G20 में भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी और इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान दोनों देशों के एक साथ काम करने की भी उम्मीद की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। दोस्तों, पुतिन और मोदी की याराना को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पुतिन इसी साल में मोदी को अब तक 5 बार कॉल कर चुके हैं। दोस्तों, दरअसल भारत जिस तरह से पश्चिमी देशों की नाराजगी को दरकिनार कर रूस की मदद कर रहा है, वैसा स्टैंड दुनिया में और कोई देश नहीं ले रहा है। पुतिन भी जानते हैं कि उनके जिगरी यार मोदी रूस को किसी मुसीबत में पड़ने नहीं देंगे, लिहाजा वो मोदी से बात कर रूस को मुसीबत से उबारने की अपील कर रहे हैं। दोनों के बीच की बातचीत क्यों अहम है, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए। कई देशों ने उससे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा। रूस भी भारत को सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध कराता रहा है। G7 देश इसे युद्ध की फंडिंग के तौर पर देखते हैं, इसीलिए हाल ही में उन्होंने रूसी तेल पर $60 के दाम का एक कैप लगा दिया, यानी कोई भी देश इससे ज्यादा की कीमत पर तेल नहीं खरीदेगा। वहीं पुतिन कह चुके हैं कि कोई भी देश जो इस कैप को मानेगा उसे तेल नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया भर के जहाजों का इंश्योरेंस करने वाली पश्चिमी कंपनियां अब रूसी तेल टैंकरों का इंश्योरेंस नहीं कर रही हैं, जिससे जहाजों से तेल भेजना मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत खास है क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि वो रूस पर लगाई गई कैपिंग का समर्थन नहीं करेगा। दोस्तों, भारत के अलावा किसी भी देश ने ऐसा बयान नहीं दिया है, यहां तक कि चीन ने भी इस मामले को लेकर मौन साध रखा है, जिसके बाद पुतिन ये समझ गए हैं कि केवल मोदी ही हैं जो हर वक्त हर मुसीबत में उनका साथ देंगे।